चलो अल्लाह किस पूरा तो टाइम से आ जाना। अगर अम्मी लोग ना घर हुए तो मैं अकेली होना है। अच्छा इतने काम में कैसे करूंगी। हाँ मैं आ जाऊंगी। माशाल्लाह जी हमारा नाश्ता तैयार हो गया। रात दाल बनाई थी तो साग में पराठा है। और मेरी प्यारी शोनी मोटो जान ने आज जाना है आंटी के पास। अमील आप लोग अब ध्यान से जाना सही है। तो हाँ जी फिर भी मैं कह रही हूँ ना आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ध्यान से जाना। और वहाँ जब पहुँच जाओ ना तो ऐसा मैं क्या कह रही हूँ मुझे कॉल करके बताना, तुम्हारा नंबर नहीं लगता। ऐसा स्कूटर पे जाना है। तो वही मैं कह रही हूँ ना नंबर ऑन रखा करो तो मुझे बताते रहना सब ठीक है और आप लोग पहुँच गए सही है ना। और अम्मी अगर रात में दसांगी ना। हाँ जी। और एक और चीज, एक और चीज, फजूल में कहीं रहने की जरूरत नहीं है ना इधर उधर जाने की जरूरत है। मैं किधर जाना रात मिनो करता दूए दिन घर। हाँ जी आपको पता है ना भी बुगत के तो ओथो सब है ना आंदे नाल अपने स्कूटर ते ते उड़ा कार नु असा की लेना। वही मैं कह रही हूँ ना कि मैंने भी स्कूल जाना है, जरी ने भी उधर होना है तो फिर मेरे लिए तो मुश्किल हो जानी है ना। हाँ जी टाइम से बता देना। हाँ ठीक है मैं तुम्हें बैलेंस कर दूंगी लेकिन नंबर ऑन रखना और जब कॉल करूँ अटेंड करना, बेल ऑन रखना ऊंची आवाज में। 150 तकरीबन 1 बजे वकील से बात करके ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि वकील ने क्या कहा है। अगर कल की तारीख हुई तो आप आज चले जाना ठीक है। तो वो जब कॉल करेगी ना ऐसा ना अपना नंबर ऑन रखा, आंटी तुम्हें कॉल करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। और मैंने कहा कि लाजमी बताया करें आप लोग मुझे कहाँ से देखो और सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हो रहे हैं तकरीबन सुबह के 7:30, नाश्ता कर लिया और नाश्ते के साथ साथ मुझे ये भी हो रहा है आज अम्मी लोगों ने जाना है तो मतलब अगर अम्मी लोग चले जाते हैं तो आप वापस आके मेरे आज सही जो है ना मतलब क्लास लगने वाली है। जाहिर सी बात है फिर सारा कुछ खाना भी हर चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी, जरिए तो बहुत लेट आना है। चलो खैर होप सो जिस काम के लिए उन्होंने जाना है अल्लाह पाक वो मामला हमारे आसान करे, आमीन। तो चलते हैं नाश्ता कर लिया। अच्छा जी ये जरी को देखे ऐसे बैठे जैसे वो पीर नहीं बैठे होते, ऐसे है गद्दी निशीन साहब ऐसे बैठे होते। तो ये जरी का सामान चेक करी क्या क्या खलाड़ा डाल के बैठी है बीबी। मेरे एक सर भी हैं वो भी मुझे यही कहते हैं कि सुबह सुबह पीर साहब के पास सारे मुरीद बैठे हुए हैं। मैं सर कैसे तुम इस घड़ी को पहन लेती हो? मैंने तो थोड़ी देर पहनी मेरा तो ऐसे बाजू दर्द होने लग गया था। नहीं मुझे तो अच्छी लगती है। हाँ अच्छी लगती है। अच्छा जब से ली है एक ही कलर पहन रही हूँ, दूसरा वो किधर गई है मैं दिल चेंज करके देखूं। चलो अभी टाइम नहीं है फिर करना चेंज शावर। चलो अभी अपना तो ये रंग बिरंगी एक चूड़ी और एक चूड़ी और। हाँ मैंने तुम्हें उस दिन पुलिस वाले को बताया था कहते मैडम 12 चूड़ियां बना ला जैसे वहाँ जाती हूँ लोशन उड़ जाता है और इतने हाथ ड्राई हो जाते हैं पता नहीं क्या ही मसला है। बैग में रखा करो ना हैंड क्रीम, इसको रहने दो। लेकिन वैसे हैंड क्रीम मुझे तुमने दिए हुए वो सिर्फ 2-3 मिनट असर करते हैं उसके बाद फिर वो भी खुश्क हो जाते हैं। पता नहीं मतलब रहता कैश पे बैठ के वैसे ही हाथ बहुत ड्राई होने लग गए, पहले नहीं ऐसे होता था अब हो रहा है। चलो कोई नहीं तो वैसलीन अच्छी होती है वैसलीन लोशन बड़ा अच्छा होता है। देखो देखो एलर्जी फिर से हो रही है पागल टेंगी। ये जाके ना डॉक्टर को दिखा, ये तुम्हारा रोज रोज का हो रहा है। नहीं नहीं बीबी जा आज फिर डॉक्टर किसी और को चेंज करके ना डॉक्टर दिखाओ से को भाई मुझे नहीं कर रही फिर भी वो बनी जा रहे हैं। ये देखो सही बात अच्छी चीज सुनी है। डर लग रहा बस मुझे आंटी के नंबर चाहिए कि हां मैं आ जाऊं सेंड करती हूं। वाह वाह ये बातें अच्छी बातें नहीं है बीबी कल्ले कल्ले। यार मैंने बाहर से तो कुछ खाना नहीं है तो ये फिर भी सही है। बस कर दो थोड़े से मेरे लिए भी छोड़ दो। तुमने क्या करने है? जैसे जो तुम करोगी मैं भी खाऊंगी। ये मेरी अम्मा ने मेरे लिए बनवाए हैं। वाह तुम और तुम्हारी अम्मा ठहर जाओ जरा दोनों को मैं बता लेती हूँ। अच्छा वैसे चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ 3 ये देख। हाँ ना वो इतनी रिंग चूड़ियाँ दोनों शाइन इतनी शाइन शाइन कर रही है ना। और वहाँ पे लाइट 3 होती है तो उसमें इतनी चमकती है। तो शाबाश निकलो 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 अम्मी भी आना चाहिए। मेरी बात सुनो एक सेकंड मेरी बात सुन। पता क्या उधर जाके मुझे हमेशा 10-15 मिनट खड़े होने पड़ता है तो इस वजह से मैं ना अभी आती हूँ आराम से मैं तकरीबन। तो बच्चे वहाँ पे आ गए होंगे उनसे कह देना कि तुम्हारी टीचर आ रही है तो उसको लेके जाना। वो ये ना समझे कि टीचर ने छुट्टी की है। तो अल्लाह की सूरत ठीक है बच्चों से कह देना ठीक है मैं आ रही हूँ बस। निकलो निकलो भाई तुम तो निकलो देख लीजिए। चलो जी जाओ जाओ। तो मैं तो सारा दिन यही सोचती रही सुबह से। मैं कह रही थी कि आज अम्मी लोगों ने जाना था
तो हुआ ये कि आंटी ने यही कहा था कि मैं ना 1 बजे के राउंड अबाउट ना बात करके बताऊंगी कि अभी आना है कि नहीं आना, किस टाइम आना है। तो मुझे आंटी की कॉल आई ब्रेक टाइम कि अभी ना उन्होंने बताया नहीं है, वकील ने नहीं बताया कि जो है कल आना है कि नहीं। तो फिर अम्मी ने जो है ना उसने कहा कि ये ना वो आंटी आ जाए, मतलब मेरी मामा चली जाए, तो वहाँ जाके पता चले कि डेट जो है ना वो आज की नहीं है, तो फिर ऐसे चक्कर पड़ता और फिर इतना सफ़र भी है। तो इस वजह से फिर मैंने आपको, इसलिए मैंने ऐसन को कॉल करके कहा था कि ऐसन अम्मी को बता दो कि अम्मी क्या है जा करे तो बड़ा ता आएगा छोटा औखा छेती ना अम्मी पास चल गई हाँ इसमें बड़ी जल्दी पर सुबह दी उस मुंडे तेन 40 को फोन किया नहीं मैं तो वैसे कॉल कर रहा था हाँ तो मैं नुआ के पुत्र मेरी गाल सुन आप जे उस फोन किया तो आप जाना आपकी बात करवा देती हूँ, पूछ ले आप उसको क्या कहते हो। हम आप भी निकले तो घंटे में हम आप नहीं निकल रहे, अब वैसे शाम पड़ गई है, अब सुबह ही निकलेंगे, जाना हुआ था सुबह 5 बजे आंटी कह रही थी। हमने तो स्कूटर पर ही जाना है। नहीं सर करो, ये लंबी बात करो। हेलो रे पुत्र राजा, वालेकुम सलाम, चंगे मेरा पुत्र, तू अपने हाल दस। अच्छा तो वो बीना मैं कल फोन किया सी, आंदी सी कि तू मेरे घर आ जाना अज, ते ना वो फोन किया है ते ना कुछ, ते मैं अस हाई कोर्ट जाना, ते इत्थों मैं सवेरे किवें निकल सकनी हां। आंटी कह रहे थे कि 5 बजे वहां से उनसे कहना निकले तो सीधे आ जाए शेखपुरे, वहां से क्या बना रहे आज अम्मी जी? आज आलू मटर गाजर आ गए। अच्छा जी माशाल्लाह जी आए हैं, क्या रंग आ रहे हैं, इतनी प्यारी सब्जी बन रही है आज तो है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दूध गर्म हो गया है, चले उठ जाए, मैं चीज़ें यहाँ से उठाती हूँ, फिर रोटियाँ टाइम से बना लूँ। ठीक है मैं हम जाके पास पालना पाड़ के तुझे आ रही है, तो मैं उड़ी नहा लो नहा ले नहाना बाप ने क्या करना। ठीक है अभी नहा के झूले चार जैसे आपका दिल करता है करे, अभी इतनी ठंड नहीं आई तो सुबह ऐसा करूंगी ना कि मैं जल्दी जल्दी उठ जाऊंगी और नाश्ता बना लूंगी, अगर अम्मी लोगों ने करना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी बहन भाइयों को मैं नाश्ता खुद ही करवा लूंगी ताकि अम्मी लोगों को ना देर जो है वो ना हो जाए, क्योंकि टाइम तो आपको पता है सुबह सुबह वैसे बहुत जल्दी हो जाता है। तो 7:30 का उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 7:30 बजे वहाँ पहुँचना है, तो इस हिसाब से तो इनको वहाँ यहाँ से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। अस्मा 200 रुपया दे दो मेरा, कौन सा पूरा हफ्ता हो गया गाइस, 250 लेने तो 200 देना है कि नहीं, कभी इनको टूटे नहीं है। आज तुम्हें 200 की क्या जरूरत है, आज 200 की जरूरत नहीं है इंसान को, मैं ना जरा लेने जाना था स्कूटर में पंचर वाला। तुम आराम सुकून से रिलैक्स होके बैठ जाओ, तुम नहीं जरी को लेने जा रहे, उसने कहा मैं आ जाऊंगी खुद ही, वो आने जाने का इंतजाम हो गया है, तो भाई तू आराम से रेस्ट मार, तेरा एक काम सी वो भी मुक गया है, हैं रेस्ट है, खुशी खुशी बहुत है, देखे जरा कितनी खुशी हो रही है, एक टेंशन थी जरी को लेने जाना है खत्म हो गई है, बस रिलैक्स जिंदगी सुकून है ना, सुकून अल्लाह का शुक्र है अल्लाह। तो रोटियां मैंने पका ली हैं और अभी मैं बना रही थी अंडा, क्योंकि जो असर है ना वो नहीं खाता ये सब्जी जो है ना गाजर वाली सब्जी नहीं खाता वो, तो उसके लिए हमने अंडा बनाया है, रोटियां भी मैंने पका ली हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह इतनी सारी रोटियां मैंने अभी पकाई हैं, तो अभी उसका अंडा भी बन गया है, इसको भी रख देते हैं हम यहाँ पे, चलते हैं अंदर जाकर रोटी खाएंगे। तो ये अब किससे लेके आई हो यार? ये ना मैं भाई शुजाल के साथ दोपहर को गई थी डॉक्टर के पास, मैंने उसे सारा कुछ बताया कि कैसे मुझे खारिश होती है, उसने 3 इंजेक्शन लगाए हैं और ये पाशे दिए हैं, कहते हैं 2 टाइम लेने हैं, ये तो कैल्शियम हाँ डेली, कहते हैं जो मर्जी हो जाए, एक सुबह एक शाम पानी में और ये साथ एक गोली,
पूरे 5 दिन लगातार 2 टाइम। तो आज फिर मतलब क्या बना, फिर लेट कैसे होगी यार? वो मैंने बताया था ना, वो आना था 7 बजे, मतलब मुझे ये था कि अम्मी और ये चले गए हैं, मैं कल बता के गई थी साथ लेता आऊंगा, लेकिन वो आया ही नहीं। मैं उधर खड़े हूँ हो के पागल हो गई, फिर गार्ड अंकल बेचारे मुझे साथ लेके वहां तक आया। चलो भला हो उनका भी। मैं वही कह रही, जब तुम्हारी मुझे कॉल आई है ना, मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा यार अभी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, ऐसा उनको मैंने मना कर दिया कि तुम ना जाओ वो खुद ही आ जाएगी, तो इधर मैं देखूंगी अभी ये कैसे जाए। और फिर ये भी था, मैं कौन कहता सड़क पे इतनी देर खड़ी रही हूँ, सारे मुझे पूछ के मेरा भाई क्यों नहीं आया, वो तो आया जाता है रोज, वो गाड़ी नहीं है। चलो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन नहीं वही चीज़ है ना, नेक्स्ट ऐसा रिस्क नहीं लेना है, ऐसे बंदा किसी के कहने पे कि चलो ठीक है कल से आ जाएंगे। तो मुझे कहा था ना, बंदा अपनी जुबान पे तो रहता है, तो बस ऐसे ही होता है, हर किसी पे इतना नहीं मूव करते, ट्रस्ट जल्दी लोग कहते कुछ है करते कुछ है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और आगे शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।